Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? So दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं 9 साल में भारत जो है वो मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का जो कि इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो हिस्ट्री में भारत की. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप वहां से देख सकते हैं. हिंदी नॉलेज शो का वीडियो होने वाला है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखते हैं कि क्या हुआ है और काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड, अमेरिकन कंट्रीज के अलावा भारत से रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में. तो दोस्तों बात अब से एक दशक पुरानी है. उस समय तक भारत को ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी पावर नहीं कहा जाता था, साथ ही वर्ल्ड स्टेज पर भारत को कुछ खास अहमियत भी नहीं दी जाती थी. लेकिन उसी समय भारत ने यूरोपियन देशों के साथ एक डील करने की सोची और यूरोप के साथ बातचीत शुरू कर दी. डील थी FTA की, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप और भारत के बीच में. और इस डील के तहत होना यह था कि भारत और यूरोप एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री ट्रेड करते, यानी कि कोई भी टैक्स एक दूसरे के सामान पर नहीं लगाया जाता, बिल्कुल मुक्त व्यापार होता. इससे भारत को एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था क्योंकि भारतीय सामानों को बड़ी आसानी से यूरोप में एंट्री नहीं मिलती थी. हैवी टैरिफ लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे. ऐसे में भारतीय सामान यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते थे और वो चाइनीज सामानों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते थे. लेकिन अगर ये FTA उस समय हो जाता तो भारतीय सामान भी उतने ही सस्ते होते जितने कि चीनी सामान यूरोप के अंदर, और हमारी कंपनियां चीन को कड़ी टक्कर देती. और इसी को लेकर हमने बातचीत शुरू कर दी. बातचीत थोड़ी आगे भी बढ़ी लेकिन अंत में अब से 9 साल पहले ये डील ख़त्म कर दी गई. 2013 में ये बातचीत रोक दी गई. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूरोप के मन में एक बात तो ये थी कि इस FTA से हमारा क्या फ़ायदा है. इससे यही तो होगा कि भारत का सामान यूरोप में सस्ता हो जाएगा और यूरोप का सामान भारत में सस्ता हो जाएगा. लेकिन इससे भारत को तो फायदा है. क्यों? क्योंकि यूरोप की मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है परचेजिंग पावर के मामले में. यूरोपियन लोग महंगे से महंगा सामान भी खरीद लेते हैं. ऐसे में भारतीय कंपनियों को तो मोटा मुनाफा होगा. लेकिन बदले में जब यूरोपियन कंपनियां भारत में सामान बेचने जाएंगी तो भारत के अंदर तो मिडिल क्लास बहुत छोटी है और यूरोपियन सामान बहुत महंगे होते हैं. अगर टैरिफ हट भी जाते हैं तो मुश्किल से 10-15% का डिस्काउंट ही होगा. ऐसे में भारत के अंदर तो हमारा सामान वैसे भी नहीं बिकने वाला. इसीलिए इनका मन पहले ही हट गया था. फिर बाद में भारत ने कुछ और डिमांड कर दी GI टैग को लेकर. इसके अलावा एक जो सर्विसेज का मुद्दा था कि जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी FTA के अंदर लाया जाए, लेकिन यूरोप ने ये शर्तें मानने से इनकार कर दिया. लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए. समय बदला, भारत की अब किस्मत भी बदल चुकी है. भारत एक बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है. मिडिल क्लास हमारी लगातार मजबूत और बड़ी होती जा रही है और इसी का नतीजा है कि यूरोप आखिरकार 9 साल बाद भारत के सामने झुक गया है और भारत आ रहा है. जी हाँ, बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन इसी महीने की 27 जून से भारत के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने जा रहा है FTA को लेकर, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. और बताया जा रहा है कि यूरोप भारत की वो मांग भी मान सकता है जिसमें GI टैग का मुद्दा है, और साथ ही जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी FTA के अंदर लाया जाए. जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं यूरोप में, इन्हें नौकरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा दिया जाए. ये मुद्दा भी मानने को अब यूरोप तैयार है, ऐसी खबरें आ रही हैं. और आने वाले एक हफ्ते के बाद ये बातचीत भारत और यूरोप के बीच में ऑफिशियल तौर पर शुरू कर दी जाएगी. और यूरोपियन यूनियन की प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द भारत के साथ किसी भी हालात में ये FTA साइन कर लिया जाए, क्योंकि यूरोप को डर लग रहा है अब अमेरिका से. दरअसल अमेरिका भारत का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है. अमेरिका ने बहुत ही शुरू में अपनी कंपनियों को भारत भेज दिया था और उसी का फायदा उन्हें मिल रहा है. आज की तारीख में भारत अमेरिका का व्यापार चीन को भी पार कर गया है, इतना तेजी से बढ़ रहा है. और दोनों देशों की प्लानिंग ये है कि 2025-26 तक भारत अमेरिकी व्यापार $450 billion को भी पार कर जाए. मतलब कि एक साल के अंदर भारत अमेरिका इतना व्यापार कर डालेंगे कि पाकिस्तान को दो बार खरीद लें.
और यूरोप आज इसी बात से डरा हुआ है कि भारतीय कंपनियों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है भारत में, और आने वाले कुछ सालों के बाद हालात ये होंगे कि यूरोपियन कंपनियों को घुसने भी नहीं दिया जाएगा भारत में। ऐसे में वो अभी से अर्ली एंट्री लेना चाहती हैं और भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके भारत के अंदर अमरीकी कंपनियों से और चीनी कंपनियों से भी कुछ हद तक टक्कर लेना चाहती हैं। वहीं बात करें कि इस FTA से भारत को क्या फायदा होगा, तो बहुत फायदा होगा क्योंकि यूरोप की मार्केट आज भी बहुत ज्यादा बड़ी है। भारत वहां पर एक्सपोर्ट करके कई सौ बिलियन डॉलर कमा सकता है हर साल, और इसीलिए ये FTA भारत और यूरोप दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इससे दोनों को जबरदस्त फायदा होगा। हालांकि इस डील पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और इसमें एक्सप्लेन किया गया है रिगार्डिंग पाकिस्तान बोल रही हूँ, इंडिया और जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, अमेरिकन कंट्रीज के बारे में, कि भाई पहले जो है ना ये लोग जो है वो इससे पहले कभी भी वो भारत की बातों पर नहीं आए, बातें नहीं मानी, और मतलब अब वही इन लोगों में जो एटीट्यूड नज़र आता है। लेकिन कहते हैं कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा सबको बराबर ही समझना चाहिए। तो वही चीज़ आज हमें इस वीडियो में भी सुनने को मिली है और ये बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि फाइनली एक वक्त इतनी टाइम के बाद जाके अमेरिकन कंट्रीज़ को जो है वो भारत ने घुटनों के बल ला के खड़ा कर ही दिया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका वजह यह है कि भारत ने जो है वो अभी जैसे कि इनसे जो है वो ये लोग भारत आएंगे, विजिट करेंगे, 27 से स्टार्ट हो जाएंगी इनकी जो विजिट है, और उसमें जो है ये उठाएगी उनसे, मतलब कि जाहिरी सी बात है इंडिया में जो गरीब लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे ये सारी महंगी महंगी चीज़ें, तो उनके हिसाब से और मार्केट के हिसाब से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो अब गवर्नमेंट इसको देख रही है। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को ही जाता है, क्योंकि BJP जब से आई है तब से ही अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं, और अभी रिसेंटली हमने फिश के ऊपर सुना था कि उनकी बात मान ली है भाई नेटो वालों ने, और उसके बाद जो है वो अभी नेटो की न्यूज़ आ रही है। बड़ी चीज़ें जो है वो सुनने को मिल रही हैं जो कि अच्छी बात है, और इससे जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा आने वाला वक्त। तो यस, ये था हमारा आज का वीडियो गाइज। आपको क्या लगता है कि इनके विजिट से कोई फ़ायदा होगा भारत के लिए? मुझे तो लगता है 100% फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। बाकी देखते हैं कि क्या होता है और गवर्नमेंट फर्दर अभी क्या क्या चीज़ें नई लेकर आती है गुड न्यूज़ इंडिया के लिए। तो यस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।